नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ नेहा वर्मा। करनाल के पुलिस अधीक्षक कार्यालय के नीचे एक महिला अपने बच्चों के साथ ठंड में धरने पर बैठ गई। बताया जा रहा है कि महिला के बेटे की हत्या इसी वर्ष के 15 अगस्त को हुई है, लेकिन आरोपियों के खिलाफ अभी तक कोई भी कार्यवाही नहीं हुई है। इसीलिए महिला ने मजबूर होकर न्याय पाने के लिए यह रास्ता अपनाया है। महिला के मुताबिक उसके बेटे को 3 लड़कों ने घर से बुलाकर मार डाला, जिसकी शिकायत करने पर अभी तक आरोपियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई है। वह बार बार पुलिस कार्यालय के चक्कर काट रही है, परंतु पुलिस द्वारा सिर्फ आश्वासन ही दिए जा रहे हैं। इसीलिए महिला ने मजबूर होकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय के नीचे अपने परिवार सहित धरना दे दिया है। महिला द्वारा धरना दिए जाने के बाद पुलिस की ओर से महिला को समझाने बुझाने का प्रयास किया गया, परंतु महिला इंसाफ मिलने तक वहीं धरने पर बैठ गई, जिससे पुलिसकर्मियों के हाथ पैर फूल गए। वहीं पुलिस के अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस अधीक्षक द्वारा महिला से बातचीत की गई है। महिला को आश्वासन दिया है कि आरोपियों पर जल्द से जल्द कार्यवाही की जाएगी। पुलिस द्वारा महिला को 2 दिन का समय दिया गया है, साथ ही उसे अपने बच्चों सहित घर जाने की बात कही गई, परंतु महिला अपनी जिद पर अड़ी हुई है। बताते चले कि महिला पहले भी एक बार पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सामने बैठकर इंसाफ की मांग करती रही, परंतु अब देखने वाली बात यह है कि महिला द्वारा ठंड में धरना दिए जाने के बाद पुलिस आगे क्या कार्यवाही करती है। क्यों आज आप धरने उस पे बैठे और यहाँ क्यों बैठे, क्या बात है? भाई साहब, मैंने कोई इंसाफ नहीं मिल रहा। मैंने इंसाफ सही है, मेरे बेटे के जो आरोपी है उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार करे, ठीक है? जो कोर्ट फैसला देवेगी उस पर मैं सहमत हूँ, और उससे पहले मेरे तो नहीं उठूंगी। मरना मंजूर है। क्या सवाल, कब आपके बेटे की मौत हुई थी? क्या ये मेरे बेटे की मौत 15 अगस्त में हुई थी। मेरे बेटे ने घर तब ला के ले गए थे, ठीक है? और जाकर उस तक के करया, दारू पियाई, धक्का दिया, मैंने नहीं पता के करया, उन्हें के ना करया, मतलब मेरे बेटे के उठे कपड़े तरह पाए मैंने, ठीक है? और भाई साहब, मैंने इंसाफ से ही है, बस मैं बहुत थक ली, मेरे गोड्डे टूट लिए, और मैं खुले आम घूमने लग रहे, और उल्टा मेरे धमकी दे, मैं कभी कहा मारी मूछ का बाल पैर ले, कभी कहा तेरा होंगे तो मैं के और निकल के बग जा, कभी कुछ कहा मैं किंगा जाऊं, अपने बच्चे लेकर कर जाऊं। मैं कौन थे, उसके साथी थे या दोस्त थे वो उसके साथ? ना मैं उसके दोस्त है, ना मैं उसके साथी है। एक आम गांव में जिस तरह मिलता जुलता आदमी बोल चाल लेकर है, सिर्फ कोई न्यू थे, और वे 3 बार उन नगर तबला कर ले गए, 3 बार बुलाने आए उस नगर पे जी, वो 3 बार मैं नगर तबला कर ले गए। मेरा बेटा उन्ना मारिया, उन्ना मारिया, उन पे मतलब रोप नहीं मारिया उन्ना। कितने लड़के थे? वे 3 है, मारने आए उन्हें 3 है, और गए थे उसके गला 5। आपके गांव के हैं वो भी सारे? नहीं, 3 ने हमें गोगड़ी पर के हैं, और मेरे गांव के हैं 2, वे करनाल बग्गे थे, गए थे गांव में था 4 जने, 2 गांव के थे, नहीं 3 गांव के थे, गोगड़ी पर का था जो, मतलब वे 2 गांव के बग्गे फिर करनाल भेज दिए उन्हें, और उनके ही दोस्त उसके जो मतलब ओंग बन जाओ उसके दोस्त थे 2, करण और एक और, वे 3 जने उठे रह गए नहर पर, एक मेरा बेटा, उन्हें पीछे तक के ना करा, मैं कुछ नहीं पता ना उन्हें मारता, उल्टा गम में है क्या, एक जना सब्जी बेचने लग गया, एक जना पड़का सो गया, मारता किसी ने न्यू नहीं कहा, अभी मोहित नहर में डूब गया। एसपी साहब से मिले थे, उन्होंने क्या आश्वासन दिया है? एसपी साहब ने मेरे तो न्यू कहा आप अपने घर भग जाओ, 2 दिन में मैं कार्रवाई कर दूंगा, तो इसने उसने मेरे तय बात कही। परसों आई थी मैं, परसों उन्होंने मेरे तो न्यू कहा था आप घर भग जाओ, मैं सांझ लगा आपकी इंक्वायरी करवा दूंगा, मतलब मैं उनका मतलब मैं उनके चलान कटवा दूंगा, अभी करवाऊंगा जो भी करवाऊंगा जी। उन्होंने परसों नहीं कुछ कर, आज जाकर मैंने अपने बच्चे लेकर बैठना पड़ा। क्या नाम आपका? मेरा नाम सदेश है, ना ही मैं उठ दी, मैं बैठी उसकी जांच जहां भी नजर आया एसपी साहब ने वहीं मारक कर दिया, और एसपी साहब इसको अभी भी मिले थे, अभी मिल के इसको समझाया कहीं, और 2 दिन का इसको टाइम दिया, तो इसको अभी भी हम इसको समझा रहे हैं, और इसको कह रहे हैं भी 2 दिन में एसपी साहब ने टाइम दिया तो उसकी कार्रवाई कर रहे हैं। तो अब इसको समझाया जा रहा है कि? हाँ, इसको समझाया जा रहा है। 2 दिन का समय दिया? हाँ, एसपी साहब जाँच भी चाहिए दे दी, और जाँच भी जहाँ इसने की थी इसके हिसाब से दे दी। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden.
world class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.